भाई देख सकते हैं कि हमारे यहाँ छोटा छोटा ये कुछ काम हुआ है घर में, घरों का कार्य जैसे होता है लोगों को दिख रहा होगा। तो लुक हियर गाइस एंड हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो गाइस आप लोगों को बहुत बहुत तेज दिलों से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बना रहा था क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हो गई दिमाग में, कभी पैसे नहीं हो, मतलब थोड़े से पैसा दिया हुआ लेकिन लोग दे नहीं रहे बोले आजकल आजकल ये टाइम बढ़ा रखे इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम सोचे कि यार क्या करूँ, मतलब सेट से कर रहा था आई फील लाइक अ सो मतलब सैड ऑन टुडे। आज भी मैं आपको चेहरा पर दिख रहा होगा क्योंकि मतलब थोड़ा सा सेट की तरह दिख रहा होगा और यहाँ देखिए यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको, आप गेस करेंगे क्या है ये। तो आप लोग गेस करें और क्या है बताएंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा ये भी कितना छोटा छोटा नन्ना नन्ना सा हमारे यहाँ देसी लैंग्वेज में बोलते हैं चरौरी, ठीक है। आप जो चिप्स खाते हैं वगैरह वगैरह तो ये अपने लैंग्वेज में देसी लैंग्वेज में एंड खाने में बहुत ही स्वाद है। एंड देखिए यहाँ पे भी इस तरह से बनाया गया आप दिख रहा होगा एंड और ये देखिए हमारे घर में ये जो तिलर ढला चुके हैं मैं आप लोगों को बताया था। और कल बीच परसों के दिन इससे जो प्लेंथ होता है नीचे का बन जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपको दिख रहा होगा ये जितना सा खाली थोड़ा थोड़ा बेकार लग रहा है देखने में। एंड सपोर्ट कीजिए सभी लोग मिलकर, अगर नए हैं तो चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यवस्था आ गए हैं इसको ढालने के लिए, यहाँ पटरे वगैरह हैं और इधर चार बच्चे हुए थे जो नहीं हुआ था, उधर सामान रखा हुआ है बाकी और इधर भी रखा हुआ है इसको करने के लिए। तो आप लोगों को दिख रहा होगा टोटल से यहाँ पे व्यवस्था है, जो मोटर है जो मिनी मोटर है चलते हैं, पानी उनी की व्यवस्था के लिए यहाँ पे है और सरिया वहाँ पे रखा हुआ है जो हमारे काम है। और ईटा तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी दिखा रखा हूँ और ये पीछे का हमारे घर का है एंड ये आपको दिखा भी इस तरह से हुलिया है गाइस। सुनो भाई का मतलब ये बा तो हमारे भोजपुरी भाई से भाई लोगों से अगर हमारे चैनल पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, ठीक बनो ताकि भाई छोटा भाई के सपोर्ट हो जाए ना और ऐसे हमके बढ़ोतरी हो सकेला, हमारे चैनल में ग्रोथिंग हो सकेला। तो आप लोग मेहनत करी हमारा लगे सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें, कमेंट जरूर कर करें कहीं लगे हमें कि कौन जगह से लोगों ने वीडियो देखा था। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो ना ये बदमाश हो गई है क्योंकि छोड़ेगी नहीं ये मुर्गी ना, अब वो दिख रही ये बार बार जाके खा जा रही है किसको जब भी माना करता हूँ ना मेहनत हमारे लिए भी कर दीजिए आप लोग तो बेनिफिट होंगे। देखिए किस तरह से हालत बनी हमारे घर का दिख रहा होगा, ये हमारे पीछे का है और देखिए इधर से एक साइड से इधर इस तरह से दिखता है हमारे बैक साइड से। और यहाँ पे थोड़ा बहुत कलर भी दे रहे हैं जो लौका है और ककड़ी खीरे तरबूजे नहीं है तो लगा हुआ है इसमें, अभी फ़िलहाल तो लगता है फला हुआ नहीं है, फला हुआ था बच्चे लोग तोड़ कर खा गए, दिख नहीं रहा होगा अभी आपको और बाकी तो सब इस तरह शाम का ही दिख रहा होगा। ओहो ये जो फटा हुआ ना पूरा दिख रहा है चूमा काट को बर्बाद कर दिया। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी दोनों आ चुके हैं कहाँ सैलून में, ये बाल कटवा रहे हैं क्योंकि इनका बाल ज़्यादा बढ़ गया है इसीलिए फिलहाल रोजा में कटवा ले रहे हैं और फिलहाल इसके बाद अभी मैगरा में आए हुए हम और अभी और कुछ दिखाऊँगा क्योंकि जो जो शूट करूँगा वो दिखाऊँगा आप लोगों के बीच में और पे नहीं रहिएगा बगाइएगा नहीं। एंड देख सकते हैं कि इनका ये छोटा मोटा सेटअप लगा हुआ है यानी कि यहाँ पर बाल कटने का सैलून है सैलून और बाहर से यहाँ पे इस तरह से दिखेगा आप यानी कि गोल्डन टेलर है ना यहाँ पे, गोल्डन टेलर के नज़दीक ही पड़ेगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ देखिए गोल्डन टेलर के बगल में ही है ये नज़दीकी। और यहाँ पे भाई साहब ये भिड़े हुए हैं बाल काटने में, वो ब्राइटनेस उल्टा पड़ रहा है हमको सेटअप ये रहा गुरु जी का, देखते हैं सेटअप क्या है आपका सेटअप सही है, बाल कटवाइएगा ना सही से जल्दी।